अस्सलाम वालेकुम। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम देखेंगे एसक्यूएल होता क्या है, ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन। अभी तक हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हम हाइड्रोग्राफ्स बना रहे हैं, या तो एक घंटे की बारिश हो रही थी, या दो घंटे की, या तीन घंटे की, या सिक्स आवर्स की, या ट्वेल्व आवर्स की। मीन्स अब अगर बारिश होगी, सपोज इन्फिनाइट पीरियड ऑफ टाइम बारिश हो रही है, और तब जाके अगर हमें हाइड्रोग्राफ बनाना होगा, तब कैसा हाइड्रोग्राफ बनेगा वो बनाने की कोशिश करेंगे। सपोज मेरे पास एक यूनिट हाइड्रोग्राफ है, वन आर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, कुछ इस तरीके से, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर एग्जांपल वन आर रेनफॉल की वजह से हुआ है। Means, इस यूनिट हाइड्रोग्राफ से जब हम डेप्थ कैलकुलेट करना चाहे वो 1 सेंटीमीटर। मैं क्या करता हूं, मैं एक घंटे के बाद फिर से बारिश करवा देता हूं 1 आवर की, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद एक घंटे के बाद फिर से और एक बारिश, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर एक घंटे के बाद फिर से और एक बारिश, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर एक घंटे के बाद फिर से हो रही बारिश, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, और ऐसा ही करता जाऊंगा। मींस टाइम जो है इनफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम है, और बारिश करवाता जा रहा हूं। अब जब मैं इनका रिजल्टेंट देखूंगा, इन ग्राफ्स का रिजल्टेंट देखूंगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, और ये जो ग्राफ बन रहा है मेरा, इसी को मैं कह रहा हूं एस कर्व, क्योंकि इन द शेप ऑफ एस, इन द शेप ऑफ एस है, इसलिए एस कर्व है इसका नाम। ठीक है, इस एस कर्व से आपको यही समझना है कि ये वो हाइड्रोग्राफ है जहां पे बारिश इनफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक हो रही है। यहां से हमारा टाइम होता है टाइम इंटरवल, और यहां से डिस्चार्ज होता है क्यों। अब अगर मैं देखूं इसका जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है वो कुछ इस तरीके से यहां पे है, और जो ये पीक डिस्चार्ज, और इस पीक डिस्चार्ज का नाम मैं क्यों इक्विवेलेंट रख रहा हूं, क्यों इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब बात करता हूं, मेरे पास एक टी नॉट यूनिट हाइड्रोग्राफ है, यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, इन जनरल बात करता हूं। अभी मैंने एग्जांपल में 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ किया था, और उसी 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ को मैंने इनफिनिट टाइम्स ऑफ रिपीट किया, मुझे एस कर्व मिला। अब मेरे पास इन जनरल टी नॉट यूनिट हाइड्रोग्राफ है, और अगर मुझे एस कर्व चाहिए, इसको मैं इनफिनिट टाइम्स रिपीट करूंगा, तो मुझे एक एस कर्व मिलेगा। यहां से रेनफॉल इंटेंसिटी निकाल सकता हूं मैं, इट विल बी 1/T0 सेंटीमीटर पर आवर। लेट एरिया ऑफ कैचमेंट, एरिया ऑफ कैचमेंट बी इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर। मुझे डिस्चार्ज निकालना है, क्यों, क्यों इक्विवेलेंट। डिस्चार्ज इज इक्वल टू रेनफॉल इंटेंसिटी इनटू एरिया, सो क्यों इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू रेनफॉल इंटेंसिटी इज 1/T0, और इसकी यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर पर आर इनटू एरिया इज ए, और इसकी यूनिट्स क्या है, किलोमीटर स्क्वायर, और डिस्चार्ज की यूनिट्स है मीटर क्यूब पर सेकेंड। मैं इन यूनिट्स को, जो यहां पे सेंटीमीटर है, आर है, या किलोमीटर है, मैं इनको मीटर और सेकेंड में लिखता हूं, इट विल बी 1/T0। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10^-2, आर को सेकेंड्स में तो 60 × 60 इंटू एरिया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10^6। यहां पे आप इसको सॉल्व करो तो Q इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2.78 a/T0। यहां पे एरिया जो है, एरिया विल बी इन किलोमीटर स्क्वायर, और टाइम विल बी इन आवर्स, हमें Q इक्विवेलेंट आराम से। अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एस कर्व, मीन्स ये एस कर्व हमें इस्तेमाल कहाँ पे करना है।
द एस कर्व कैन बी यूज टू ऑब्टेन ए यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ स्मॉल टी नॉट ड्यूरेशन फ्रॉम ए गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ कैपिटल टी नॉट ड्यूरेशन. मतलब आपके पास एक यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया होगा और आपसे दूसरा यूनिट हाइड्रोग्राफ पूछा जाएगा. ये काम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा आप 1R यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स बताओ, हम क्या करते थे, हम उसी 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर देते 3 से और हमें मिल जाते थे 1R यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स. लेकिन अब अगर उसी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आप यही चीज़ करो विद द हेल्प ऑफ एस कर्व मेथड, तब क्या करना है, तब हमें कुछ स्टेप्स लगाने हैं, एस कर्व मेथड के स्टेप्स लगाने हैं. तो स्टेप नंबर 1 इज फ्रॉम द गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ टी नॉट ड्यूरेशन ऑब्टेन एस कर्व. स्टेप नंबर 2, फाइंड द ऑफसेट एस कर्व वेयर ऑफसेट गिवन इक्वल्स टू द ड्यूरेशन ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ. तीसरा स्टेप है फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई वेयर डेल्टा वाई इज डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेट्स ऑफ एस कर्व एंड ऑफसेट एस कर्व. And step number 4, required unit hydrograph of small t naught duration is then given as delta y into capital T naught divided by small t naught. Obviously, मैंने चार steps पढ़े, दिमाग में तो कुछ नहीं गया होगा. और दिमाग में तब जाएगा जब हम question करेंगे. हम question करेंगे और आपको सारे steps one by one समझ आ जाएंगे. लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसमें गलती करते हैं और वो गलती कर दे क्या है वो बताता हूं पहले. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा आप 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स बताओ, तो हम गलती क्या करते हैं, हम कैपिटल टी नॉट लेते हैं 6 आवर्स. मीन्स हमें लगता है कैपिटल टी नॉट मीन्स बड़ा वाला टाइम, तो बड़ा वाला टाइम इज 6 आवर्स. तो वो चीज़ नहीं करनी है. कैपिटल टी नॉट वो टाइम है जो आपको दिया होगा, मींस ये वो यूनिट हाइड्रोग्राफ का टाइम है जो क्वेश्चन में दिया होगा, और जो पूछा जाएगा दैट इज द स्मॉल टी नॉट. ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना है. अब करते हैं क्वेश्चन. तो हमारे पास सवाल है एस के ओ पे, गिवन 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ एंड हमें फाइंड करना है 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ. ठीक है, हमें 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स दिए हैं और हमें 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ एस कर्व. लेकिन ठीक है, सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या था कि हमें गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ से एस कर्व निकालना है. कैसे, इसी को आप बार बार इनफिनाइट टाइम्स ऑफ रिपीट कर लो. लेकिन जब हम इसी चीज को फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, यह हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है 3R का, 3R के बाद हम फिर से इसी चीज को रिपीट करेंगे 3R के बाद. लेकिन ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, फिर से 3R के बाद रिपीट करो, ये इस तरीके से बनेगा, फिर से 3R के बाद रिपीट करो, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, और ऐसे इनफिनाइट टाइम्स ऑफ रिपीट करो. एंड फाइनली जो है कंबाइंड कर्व बनेगी, उसी को हम एस कर्व कहते हैं. लेकिन ये करने में तो काफी वक्त जाएगा, फिर अगर ऐसा करना होता तो फिर ये एग्जाम में आता ही नहीं. ठीक है, इसका और अगर हम देखेंगे, अगर इस मेथड से जाए तो इसमें मतलब इतना वक्त लगेगा कि बाकी क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा, और अनफॉर्चुनेटली हमें और भी क्वेश्चंस करने होते हैं एग्जाम में. तो इस यूनिट मतलब इस सवाल को हम कैसे करेंगे वो देख लो. सबसे पहले यहाँ पे आप लिखो एस कर्व एडिशन, एस कर्व एडिशन. और यहां पे लिखो एस कर्व. एक ऐसा तरीका है आपको डायरेक्टली जो हम अब ग्राफ बना रहे हैं इसकी ऑर्डिनेट्स मिलेंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है. कैसे, सबसे पहले आप देखो इन दोनों के बीच में कितने का लैग है. हमें 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है और हमें 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो इन दोनों के बीच में हम अगर मैं लैग देखूं वहां पर 3R का लैग है. 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, मीन्स इस 3R और इस 6R के बीच में 3R का लैग है. फिर क्या आप करो, 3R से पहले जितने भी ऑर्डिनेट्स है इस यूनिट हाइड्रोग्राफ के वो डायरेक्टली आप एस कर्व में लिखो. यहां पे एक ही ऑर्डिनेट है तो मैं उसको डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं 0. ठीक है, इस 0 को मैं यहां पे ला रहा हूं, लाया, और इस 0 को इस 20 के साथ आप ऐड कर दो. 0 प्लस 20 इज इक्वल टू 20.
फिर इस 20 को यहां पे लाओ, 20 प्लस 50 इज इक्वल टू 70, फिर इस 70 को यहां पे लाओ, 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 130, 130 को यहां पे लाओ, 130 प्लस 50 इज इक्वल टू 180, 180 को यहां पे लाओ, दैट इज इक्वल टू 220, 220 को यहां पे लाओ, 220 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 230, 230 को यहां पे लाओ, 230 प्लस 0 इट इज इक्वल टू 230, और ये चीज रिपीट होगी अब, ठीक है। वही तो हमें कांस्टेंट आफ्टर इनफिनाइट टाइम हमें डिस्चार्ज कांस्टेंट मिल रहा था, क्यों इक्विवेलेंट इसका नाम रखा था, ये वही है 230, यब रिपीट हो जाएगा। अब जो हमारे पास यहां पे नेक्स्ट स्टेप है वो है ऑफसेट एस कर्व, वी हैव टू फाइंड ऑफसेट एस कर्व। ये ऑफसेट का मतलब क्या होता है, इस ऑफसेट का मतलब होता है लैग, मींस हमें यहां पे ऑर्डिनेट्स लिखने हैं जिसमें हमें कुछ लैग देना है। अब कितने का लैग दे वो डिपेंड करेगा कि आपको किस किस आर का यूनिट हाइड्रोग्राफ पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में हमें 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया गया है और पूछा गया है 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स निकालो, तो यहां पे हमें लैग देना है 6R, मींस जो पूछा गया है उसका उतना उतने का लैग, मींस हमें 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ पूछा गया है तो हम 6R का लैग देंगे इसमें, ठीक है। ये हो गया 0, 3, 6, मींस ये 6R का लैग देना है, तो स्टार्ट होगा यहां से, यही एस को हमें यहां से स्टार्ट करना है, 0, 20, 70, 130, 180, 220 एंड 230। उसके बाद क्या स्टेप है, डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है। डेल्टा वाई क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एस कर्व एंड ऑफसेट एस कर्व। करते हैं, यहां पे तो कुछ नहीं है तो 0 माइनस नथिंग इज 0, यहां पे 20, 70 माइनस 0 इट विल बी 70, 130 माइनस 20 इट विल बी 110, 180 माइनस 70 इट विल बी अगेन 110, 220 माइनस 130 इट इज इक्वल टू 90, 230 माइनस 180 इट इज 50, 230 माइनस 220 इट विल बी 10, इट विल बी 0। तो ये हमें मिल गया डेल्टा वाई। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद, वी हैव टू फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ, और वो कैसे मिलते थे, हम इसी डेल्टा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल टी नॉट डिवाइडेड बाय स्मॉल टी नॉट, डेल्टा वाई इनटू कैपिटल टी नॉट। कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जो ये उस यूनिट हाइड्रोग्राफ का टाइम है जो दिया गया है क्वेश्चन में। अभी हमारे क्वेश्चन में 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है तो कैपिटल टी नॉट विल बी 3, एंड स्मॉल टी नॉट कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है, ये वो यूनिट हाइड्रोग्राफ का टाइम है जो यूनिट हाइड्रोग्राफ आपसे पूछा गया है। अभी हमें 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ पूछा गया है तो ये टी नॉट जो है ये 6R होगा, 3 1s are 3 2s are, so it will be equal to delta y divided by 2, means हमें इन delta y को divide करना है 2 से, हमें मिल जाएंगे ordinates of 6R unit hydrograph के। तो कर लो, 0 divided by 2 is 0, 20 divided by 2 is 10, 70 divided by 2 is 35, 110 divided by 2 is 55, this will be again 55, 90 divided by 2 is 45, 50 divided by 2 is 25, 10 divided by 2 is, it will be 5, it will begin 0. अब ये जो ordinates हमें मिले, ये हमें मिले 6R unit hydrograph।